दोस्तों, आपने घूमने फिरने की जगहों पर काफी बार बंदर तो देखे ही होंगे। भारत के गांव से लेकर दुनिया के बड़े बड़े जंगलों तक अलग अलग प्रकार के बंदर हमें देखने को मिलते हैं। और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि दुनिया में बंदरों की ऐसी भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। लंबी नाक से लेकर लाल और नीले मुंह वाले ऐसे अनोखे बंदर दुनिया भर में पाए जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मंकीज जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। व्हाइट फेस्ड साकी। आपको इस बंदर का चेहरा देखकर ही ये पता चल जाएगा कि इसका नाम व्हाइट फेस्ड साकी क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर आप इसे देखें तो इस बंदर का पूरा शरीर काला है, बस इसके मुंह को छोड़कर। अगर इन्हें कोई इंसान पेड़ पर बैठे देखता है तब उसे पहले यही लगता है कि कोई पक्षी पेड़ पर बैठा होगा, क्योंकि इस बंदर का चेहरा ही कुछ इसी तरह का है, जिससे अच्छे अच्छे भी कंफ्यूज्ड हो जाएं। अगर आप इन्हें असलियत में देखना चाहते हैं तो आप फ्रांस, गियाना, वेनेजुएला इनमें से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि बंदरों की ये प्रजाति खासकर इन्हीं देशों में पाई जाती है, वरना इन्हें इतनी आसानी से देख पाना नामुमकिन सा है। अब है टायर्जियर मंकी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मंकी की तरफ, जिसे टायर्जियर मंकी के नाम से जाना जाता है। इसे देखकर कुछ लोग यही कहेंगे कि ये तो आउल जैसा दिख रहा है। हालांकि आपका कहना बराबर है, इनकी आंखों को अगर देखेंगे तो यही आउल जैसी बड़ी बड़ी और गोल लगती हैं। ये एक बंदरों की ही खास प्रजाति है, जिसका साइज आम बंदरों से बहुत ही कम होता है। ये अपनी पूरी जिंदगी में 10 से 15 इंच तक ही बढ़ते हैं। तो सोचिए, ये जब जन्म लेते हैं तब कितने छोटे होंगे। इनके छोटे शरीर और मंकी लवर्स होने के कारण कुछ लोग इन्हें अपने घर पर एज ए पेट समझकर भी पालते हैं। इन्हें पेट के तौर पर रखने का एक और कारण है इनका स्वभाव। ये बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत ही शांत होते हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी छोटा सा प्यारा सा और स्वभाव से शांत बंदर हो तो आप इन्हें पालने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। नंबर 3, बाल डुकारी। इस बंदर की प्रजाति सिर्फ और सिर्फ ब्राजील के जंगलों में ही पाई जाती है, जिनका मुंह अगर आप देखोगे तो लाल रंग का होता है, मानो किसी ने इनके चेहरे पर रंग लगा दिया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इन बंदरों का पीढ़ियों से चलता रहा है। इनके इसी रंग की वजह से इन बंदरों को बाकियों से अलग होने के लिए पहचाना जाता है। इनका नाम बाल उकारी इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके सर पर थोड़े भी बाल नहीं होते, लेकिन शरीर की बात की जाए तो बाकी बंदरों के मुकाबले इनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। ये दिखने में इतने शांत दिखते हैं, लेकिन उतने ही ताकतवर भी होते हैं जनाब। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि अगर इनकी किसी से लड़ाई हो जाए तो ये अपने जबड़े से किसी को भी मार गिराने की ताकत भी रखते हैं। इसीलिए इन बंदरों से कभी गलती से भी पंगा मत लेना। जेलाडा। अभी आप जो मंकी देखने वाले हैं वो दिखने में ही खूंखार और जंगली दिखते हैं, जिनका नाम है जेलाडा मंकी। ये है दिखने में कुछ कुछ गोरिल्ला जैसे और इनका नाम भी गोरिल्ला प्रजाति को आसानी से मैच करता है। बंदरों की ये प्रजाति केवल इथियोपिया के आइलैंड पर ही पाई जाती है। इनका वजन तकरीबन 18 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। ये हमेशा झुंड में ही घूमते हैं, चाहे वो खाना ढूंढने जाना हो या फिर कुछ और। इनके मुंह का जबड़ा इतना बड़ा होता है कि एक आदमी का सिर आसानी से इनके जबड़े में बैठ जाए। इनके दांत किसी शेर से कम नहीं होते। वैसे कभी खुद से ये किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन आपको ये कहीं पर दिख जाएं तो इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई होगी, क्योंकि गुस्सा आने पर ये किसी की नहीं सुनते। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिख के जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। देवराजाज मंकी। देवराजाज मंकी दिखने में काफी अनोखे होते हैं। उनके माथे के बाल ऑरेंज होते हैं और बाकी का शरीर काले बालों से ढका होता है। इनके मुंह के बाल सफेद रंग के होते हैं, जो किसी सफेद दाढ़ी की तरह लगते हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही शर्मिला होता है, लेकिन झगड़े के समय ये काफी आक्रामक हो जाते हैं। बंदरों की ये प्रजाति सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका में ही पाई जाती है, जिन्हें स्वाम्प मंकी के नाम से भी जाना जाता है। इनका चेहरा बाकी बंदरों के मुकाबले दिखने में बेहद अलग होता है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो इनके बाल कुछ कुछ बियर्ड जैसे नजर आते हैं, जो कि दिखने में बड़ा ही शानदार दिखता है। इनकी सबकी अपनी अलग अलग फैमिली भी होती है। उनमें से जो भी बंदर सबसे पहले बड़ा हो जाता है वही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। यह आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये सच है। मेल्स का वजन तकरीबन 7 किलो तक बढ़ता है। इनमें अपने बच्चों को दूसरे जानवरों से छिपाने की टेक्निक भी होती है, जिससे अपने बच्चों की शिकारी जानवरों से रक्षा कर पाते हैं। गोल्डन स्नब नोज मंकी। ये मंकी अपनी नाक की तरह ही यूनिक है। ये प्यारे से दिखने वाले बंदर पहाड़ों के जंगलों में देखने को मिलते हैं, जो कि चाइना में है। इनका पूरा का पूरा नाम इनके शरीर से मैच करता है। इनके शरीर के बालों को हम देखें तो ये गोल्डन कलर के देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और इनकी नाक दबी हुई होती है, जिसे हम चपटी नाक भी कह सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम गोल्डन स्नब नोज मंकी रखा गया है। इनके चेहरे का रंग नीला होता है। ये बंदर ज्यादातर ठंड के मौसम में ही बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके मासूम से चेहरे पर बिल्कुल मत जाइए। ये बेहद चालाक है, क्योंकि ये लेपर्ड जैसे बड़े बड़े शिकारी जानवरों तक के हाथों में नहीं आते। प्रोबोसिस मंकी। ये है प्रोबोसिस मंकी, जो कि सबसे अजीब मंकी में से एक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप इसका चेहरा देखकर ही आराम से पहचान जाएंगे। बाकी बंदरों से अलग दिखने वाले ये प्रजाति अक्सर बोर्नियो के जंगलों में पाई जाती है। इनमें से मेल मंकीज की नाक दुनिया के सारे बंदरों से लंबी होती है, वहीं दूसरी ओर फीमेल्स की नाक उनके मुकाबले छोटी और नुकीली होती है। इनकी लंबी नाक फीमेल मंकीज को मेटिंग के लिए प्रभावित करती है। ये बंदर हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। इनके एक ग्रुप में तकरीबन 7 फीमेल्स होती है और सिर्फ 2 ही मेल मंकी होते हैं। इतना ही नहीं, इनकी एक और खास बात है,
वो ये कि ये बाकी बंदरों से बेहद एक्सेलेंट स्विमिंग भी कर सकते हैं। रेड शंक डॉग। इस प्रजाति के बंदर बेहद ही कलरफुल होते हैं। इनकी स्किन बाकी बंदरों के मुकाबले काफी ज्यादा स्मूथ होती है। ये बंदर दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और इनमें से कुछ के शरीर के बाल नीले तो कुछ के काले होते हैं। इन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको साउथर्न लाओस के जंगलों में जाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही गुजारते हैं। जब इन्हें प्यास या फिर भूख लगती है सिर्फ तभी ये बंदर पेड़ों से नीचे उतरते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं। इनकी हाइट सिर्फ 0.6 मीटर तक ही बढ़ती है, लेकिन इनका वजन करीबन 11 किलोग्राम तक हो सकता है। एम्परर टामरिन। इन प्यारे से दिखने वाले बंदरों का नाम जर्मन के एम्परर द्वारा दिया गया है। ये अजीब लेकिन प्यारे दिखने वाले जानवर साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ये अपने साइज में बेहद ही छोटे होते हैं और इनके चेहरे पर होने वाली मूंछों की वजह से इन्हें बड़ा ही खास माना जाता है। ये मूंछ केवल अडल्ट मंकी को ही आती है। इनके हाथ के पंजों की अगर हम बात करें तो ये दूसरे बंदरों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से इन्हें लंबे से लंबे पेड़ पर चढ़ने में भी आसानी होती है। ये ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें अपने आसपास खतरा नजर आता है। अंत में है गीज गोल्डन लंगूर। इन्हें केवल लंगूर के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रजाति के बंदर सिर्फ और सिर्फ भारत, भूटान और पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। इनका मुंह बहुत ही छोटा और काले रंग का होता है, लेकिन इनके हाथ पैर बाकी बंदरों से बहुत ही लंबे। इस बंदर की स्किन कुछ कुछ जगहों पर गोल्डन होती है, जिसकी वजह से इन्हें गोल्डन लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूंछ भी बड़ी लंबी होती है, जो कि उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए मदद करती है। ये अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पेड़ पर ही गुजारते हैं। सिर्फ खाने पीने के लिए ही ये पेड़ों से नीचे उतरते हैं। ये बंदर कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के फल खा सकते हैं। इनके स्वभाव की बात की जाए तो ये स्वभाव में बेहद ही शांत और सरल देखने को मिलते हैं। ये बंदरों की एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। भारत में कई पहाड़ों वाले टूरिस्ट स्पॉट्स पर आप इन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा मंकी सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।